हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है एक बार से फिर से नए गार्डनिंग ब्लॉग में। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बारिश की कुछ अपडेट, जो कि दो दिन से हमारे यहाँ लगातार बारिश लगी हुई है। प्लांट्स का कैसा हाल है यहाँ पे मेरे, वो सब वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं मेरे चंपा के, नाग चंपा के ब्यूटीफुल फ्लावर के साथ, जो कि आपको दिखाई दे रहे होंगे। बहुत अच्छी तरीके से ब्लूम कर रहे हैं ये बारिश में। और मेरे प्लांट्स का कुछ इस तरीके के हाल है, जो कि मैं आपको शुरुआत से बताऊंगी। कुछ दो दिन से लगातार बारिश हो रही है, तो उसकी वो भी बताऊंगी कि क्या प्लांट्स में प्रॉब्लम आई है दो दिन से लगातार, क्योंकि मेरे प्लांट्स जो हैं वो पूरे बारिश, मतलब उनके नीचे कोई शेड नहीं है, ऊपर शेड नहीं है, बिना शेड के हैं वो। तो देखिए यहाँ से शुरुआत कर लेती हूँ मैं कुछ इस तरीके से। ये तो सब सही है प्लांट, पर जैसे कि मेरा रैन लिली वाला आप देख सकते हैं, इसमें पानी भर गया है। तो ये पानी वाली समस्या मुझे देखने को मिली है, जिसमें छेद है तब भी प्लांटर में पानी भरा हुआ है। क्योंकि मैंने क्योंकि क्या होता है कि जो प्लांटर में छेद होते हैं वो मिट्टी के कारण बंद हो जाते हैं, तो उन छेदों को खोलना पड़ेगा मुझे। पर अभी तो मैं खोल नहीं सकती हूँ, क्योंकि मैं छाता लेकर वीडियो बना रही हूँ। बारिश अभी भी लगी हुई है, दो दिन तो हो गए लगातार बारिश को। और ये फ्लावर हैं, ये इसका मुझे नाम याद नहीं है, बट देखिए ब्लूम नहीं हुआ है। कुछ फ्लावर होते हैं ना जो धूप में ही ब्लूम करते हैं, जैसे पॉर्चुला, मॉशरोज, उसी तरीके का यह भी है, तो ये ब्लूम नहीं हो पाया है। पर नागचंपा बहुत अच्छी तरीके से ब्लूम हो गया है, और आप पत्तों पर बारिश के देख ही रहे होंगे। ये मेरी गोल वाली मिर्च है, और इधर आगे मैं आपके इधर भी शेयर कर लेती हूँ मेरा क्रोटॉन, और ये कनेर का, इसमें भी ब्लूम हुए थे थोड़े दिन पहले तो, बट अभी हट गया है। क्रोटॉन का फ्लावर जो है, प्लांट जो है, वो बहुत अच्छी तरीके से ब्लूम कर रहा है, देख सकते हैं आप पत्तों पर पानी, ये बहुत अच्छा लग रहा है। और इधर कोई पक्षी जो है वो बादाम का पेड़ है उधर की तरफ, उस पर बैठा हुआ है, तो तोता भी है और दो तीन पक्षी हैं, तो वो ना बादाम खा रहे हैं, तो आवाज़ कर रहे हैं। ये देखिए इधर कुछ इस तरीके का नज़ारा बारिश में मेरे गार्डन का, देख सकते हैं आप। जो प्लांट बारिश में मज़े करते हैं वो तो हैप्पी हैं, किसी को दिक्कत होती है बारिश में, वो थोड़े से ढीले हो चुके हैं, देख सकते हैं आप इधर की तरफ। जीजी प्लांट भी अच्छा है, इधर मेरी रेड मिर्ची, ये देख सकते हैं आप। और ये इस तरीके के बारिश में देखने को मिलेंगे आपको ये कीड़े, ये बहुत ज़्यादा हैं बारिश में, ये चीज़ देखने को मिलती है। मिट्टी में बहुत सारे ऐसे कीड़े निकलते हैं अलग अलग तरह के, जब लगातार बारिश हो तब ये ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इधर भी आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके की अपडेट है, ये देख सकते हैं आप। ये मिर्च सारी रेड हो गई है, अब तो पक गई है, बिल्कुल लाल हो चुकी हैं ये, बहुत ही सुंदर ये देखने में लग रही है। ये मेरी कृष्ण कमल वाली जो बेल है वो है ये, ये जो मैंने इस पे लगा रखा है ये वाइपर का डंडा है, जिसका कि मैंने वाइन के लिए यूज़ किया है, तो इस तरीके से वेस्ट का यूज़ अपन कर सकते हैं। इधर देख सकते हो आप मेरे प्लांट का, ये मेरा टच मी नॉट का प्लांट है, जो भी कुछ इस तरीके से हो गया है। अभी मैंने ज़्यादा अपने प्लांट्स को, बारिश थी दो दिन से, कल भी थी, आज भी पूरा दिन हो गया, तो ज़्यादा देखा नहीं है, तो प्लांट जैसे हैं वैसे ही हैं अभी। अब नेक्स्ट मैं उधर का बताती हूँ, देखिए आप इधर का मैं आपको बता रही हूँ, जिसमें ये जो विनका के फ्लावर हैं ये ब्लूम कर रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से। और ये मेरी स्टार वाइन गणेश बेल है, जो कि मैंने इस तरीके से इस पर एक डंडे पर चढ़ाई है, जो भी देखिए आप इस तरीके से हो रही है। ये मेरी बोगनवेलिया हैं, जो कि धूप में तो ये खिलती नहीं है, इनके लिए, इनको खिलने के लिए चाहिए कि अच्छी गर्मी होनी चाहिए और ज़्यादा पानी की इनको आवश्यकता भी नहीं होती है बोगनवेलिया को।
कुछ इधर मैं स्टार वाइन आपको बताती हूँ जो ब्लूम कर रही है। ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है, बहुत ही प्यारा। इधर से लुक मैं आपको बताती हूँ, मेरे जो ये हैं नागचंपा के फ्लावर हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। और ये है ना बारिश में खिले हुए हैं, तो ये वाले फ्लावर जो हैं वो बारिश में बहुत अच्छी तरीके से ब्लूम करते हैं। देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है देखने में भी। और इधर मेरी स्टार वाइन गणेश बेल है, इसने पूरा मेरे पेंसिल कैक्टस को अपने अंडर कर लिया है, पूरा घेर लिया है इसे। और साथ ही साथ अपराजिता वाइन दोनों कंपटीशन में लगी हुई हैं, देखिए पूरे इसको घेरने में। और ये मेरा कॉलियस का है जो भी बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। इधर मेरी विद्या है, ये देखिए आप, ये रियो वाला, रियो बहुत अच्छी तरीके से चलता है, बहुत ही अच्छी तरीके से। रियो का प्लांट इतना अच्छा चलता है कि इसे उखाड़ उखाड़ कर फेंकना पड़ता है फिर, अगर बहुत सारा हो जाए तो। मेरे तो बहुत ज़्यादा हो गया, तो फिर मैं क्या करती हूँ, इन्हें हटा देती हूँ। ये देखिए इधर, अब आगे नेक्स्ट उधर का मैं बताती हूँ, देखिए आप। इधर मैं आपको मेरी बास्केट जो लगी हुई है उनमें प्लांट लगे हुए हैं उसकी अपडेट दे देती हूँ। इसमें टर्टल वाइन, टेंगल हार्ट और बेबी सनरोज तीनों एक साथ लगी हुई हैं, तो ये बहुत ही सुंदर लग रही हैं। ऐसी बास्केटें ऊपर का इधर से देखिए आप, ये सिंगोनिया भी बहुत सुंदर लग रहा है। ये मैंने इसका शॉट डाला था कि ये किस तरीके से बनाई है, और ये मैंने टॉपियारी बनाई है जेड की, ये देखिए आप। ये देखिए लास्ट में वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मेरे सुंदर सुंदर हिबिस्कस के फ्लावर जो बहुत ही अच्छी तरीके से ब्लूम कर रहे हैं अभी बारिश में भी। तो वीडियो आपको कैसी लगी बताना ज़रूर। बारिश के सीज़न की अपडेट थी जो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर ली जाए। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, तो देखना ज़रूर फ्रेंड। हैप्पी गार्डनिंग।